देखिए आज की जो सबसे बड़ी खबर है जिस पर पूरे देश की नजर है वो है ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय आज फुल एक्शन में है। देश भर में आज कई ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। तीन घोटालों में शहर शहर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। दिल्ली मुंबई कोलकाता सहित कई बड़े शहरों में छापे पड़े हैं। आज सुबह से ही देश भर में ईडी की रेड पड़ रही है और ये छापे अब भी जारी है। नेशनल हेराल्ड केस में भी छापा मारा गया है। आज सुबह सुबह ही ईडी की टीम ने छापे मारने शुरू कर दिए। दिल्ली के नेशनल हेराल्ड सहित देश भर के 12 ठिकानों पर यह रेड डाली गई। मुंबई में भी आज ईडी की रेड देखने को मिली। पात्रा चौल घोटाले में गिरफ्तार संजय राउत के कुछ करीबी लोगों के ठिकानों पर भी छापे पड़े हैं। कोलकाता में आज शिक्षक भर्ती घोटाले केस में रेड पड़ी है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के कई ठिकानों पर आज एक साथ रेड पड़ी है। तो तीन केस में एक साथ ईडी के छापे से देश भर में हड़कंप मच गया है और अब खबर है कि कुछ और ठिकानों पर ईडी रेड डाल सकती है। तो देखिए आज ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन देश भर में देखने को मिल रहा है। आज खासकर दिल्ली मुंबई और कोलकाता में जो रेड है वो देखने को मिली है। दिल्ली में जहां नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में ईडी आज सुबह छापेमारी करने के लिए पहुंच गई, तो वहीं पात्रा चौल घोटाले मामले में आज मुंबई में भी संजय राउत के करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। तो शिक्षक भर्ती घोटाला जो पश्चिम बंगाल का है वहां पर भी आज देखने को मिली है रेड। तो ईडी की रेड पर दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। ईडी के अफसर नेशनल हेराल्ड के अकाउंट्स खंगाल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड से जुड़ी कंपनियों के खातों की भी पड़ताल की जा रही है। नेशनल हेराल्ड और उससे जुड़ी कंपनियों पर छापे पर एक साथ इन पर छापे पड़े हैं। दिल्ली लखनऊ और कोलकाता में रेड पड़ी है। कोलकाता की चार ठिकानों पर नेशनल हेराल्ड केस में छापे पड़े हैं। दिल्ली में आईटीओ के पास मौजूद नेशनल हेराल्ड के ऑफिस के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ अभी ईडी की टीम मौजूद है। दफ्तर के अंदर कागजातों की तलाशी और छानबीन चल रही है। इन छापों से सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पहले सोनिया राहुल गांधी से पूछताछ ईडी करती है और फिर उसके बाद ईडी की छापेमार कार्रवाई नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े हुए ठिकानों पर शुरू हो जाती है। दिल्ली में आईटीओ के पास मौजूद नेशनल हेराल्ड का दफ्तर, वहां पर ईडी आज सुबह पहुंच जाती है। तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नेशनल हेराल्ड से जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं, जो उसके बैंक अकाउंट्स हैं, उसके दस्तावेज ईडी खंगाल रही है। तो ईडी की कार्रवाई पर जयराम रमेश का ट्वीट कि नेशनल हेराल्ड पर छापा कांग्रेस पर अटैक है। ये जयराम नरेश ने कहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि ईडी का छापा बीजेपी के बदले की कार्रवाई है। तो ईडी जब जब एक्शन में होती है तब तब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हैं। विपक्ष का ये कहना है कि ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस को परेशान करने के लिए, बदला लेने के लिए ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं सत्तारूढ़ पार्टी का ये कहना है कि चूंकि भ्रष्टाचार के तार जहां जहां से जुड़े हुए मिलेंगे वहां वहां पर भी ये छापेमार कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए अलग अलग जगह से। पवन नारा दिल्ली से है, अतुल भाटिया कोलकाता से और मुंबई से जयप्रकाश है। सबसे पहले पवन मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि काफी देर हो गई ईडी को दफ्तर के अंदर गए हुए, किन किन चीजों को खंगाला जा रहा है, क्या क्या दस्तावेज तलाशने की कोशिश ईडी की तरफ से है? प्राची, इस वक्त ईडी की टीम यहां हेराल्ड हाउस में मौजूद है और जो वीडियो सामने आया है उससे स्पष्ट है फिलहाल यहां हेराल्ड हाउस में इस बात की जांच की जा रही है कि जो 90 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेशनल हेराल्ड के लिए, उस 90 करोड़ का क्या इस्तेमाल किया गया, नेशनल हेराल्ड की वो कौन कौन सी देनदारियां थी जिनके लिए उन 90 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या क्या हैं, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद, उनके बयान दर्ज करने के बाद अब बाकी एविडेंस कलेक्शन के तहत ये रेड्स हो रही हैं। जो बताया जा रहा है कि कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ और मुंबई समेत कुल 12 ठिकानों पर हो रही हैं। तो उसी कड़ी में ये देखा जा रहा है कि वो 90 करोड़ रुपए जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए वो किन किन मद में खर्च किए गए, किस किस की देनदारी थी, किस किस को वो पैसा गया और किस काम के लिए वो पैसा गया, वो 90 करोड़ की देनदारी कैसे बनी। ठीक, आपको जानकर ये जानकारी देना चाहेंगे, जैसे पंचकुला में भी नेशनल हेराल्ड के पास एक प्लॉट है जो पब्लिशिंग हाउस के तौर पर उसे अलॉट हुआ था, उसकी भी पेमेंट हुई थी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री भी पूछताछ के लिए बुलाया है ईडी ने कई बार भूपेंद्र हुड्डा को।
वैसे ही एक प्लॉट लखनऊ में भी अलॉट किया गया था। जो कोलकाता में जांच की जा रही है वो इस बात को लेकर की जा रही है कि यंग इंडिया कंपनी को जो 50 लाख रुपए का ऋण दिया वो किन किन कंपनियों ने दिया, ताकि यंग इंडिया लिमिटेड जो कंपनी बनी वो AGL का अधिग्रहण कर सके। तो वो सब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और पता लगाया जा रहा है कि कहां से पैसा आया, कहां गया और कैसे इस पैसे का इस्तेमाल हेरल्ड पब्लिकेशन का जो AGL है उसकी ओनरशिप बदलने में, लेन देन कैसे हुआ, ट्रांजेक्शन्स कैसे हुए, कौन कौन सी कंपनियां जुड़ी हुई हैं, इन तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।